नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। किसानों का शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अफसरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसानों से जो टकराएगा, बोलिए। अरे कहे ना, प्रशासन पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है। गरीब मर रहा है, जूझ रहा है, किसान मर रहा है। किसान का जो है सारे पीरपैती प्रखंड कौन पूछता है, भागलपुर जिला जूझ रहा है, लेकिन पीरपैती सबसे ज्यादा, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ कोई प्रशासन देखने वाला नहीं है, किसान मर के मर रहा है। आप अपना परिचय देंगे? मैं पूर्व मुखिया मोहनपुर मधुबन का हूँ, मेरा नाम मोहन प्रसाद मंडल है जी। धन्यवाद। किसान सलाहकार है, उसको मैंने आपके सामने निर्देश दे दिया, आज मैं पत्र निर्गत कर दूंगा। वो अपने क्षेत्र में काम करेंगे, जो कोऑर्डिनेटर है उस पंचायत का, उसकी निगरानी में होगा। दोनों लोग की जिम्मेदारी होगी कि वो लोग एक्चुअल रिपोर्ट जांच करके, जा करके फील्ड दे करके मोबाइल फोटो भी ले लेंगे, और उसका एक्चुअल प्रतिवेदन 3 दिन के बाद चौथे दिन, आज हो गया 16, ठीक है, 17, 18, 19, 21 तारीख को फाइनल लिस्ट हमको पीओ साथ देंगे। 4 दिन का मौका इनको दे दिया, वो लिस्ट आपको पंचायत वार मुखिया को प्रकाशन करवा देंगे पंचायत भवन, ठीक है। जिसको जो दिक्कत होगा 2 दिन का मौका देंगे, ठीक है, गलत है हमारा, किया हमारा, ये है हमारा, वो है, वो लिखित देगा, उसकी जांच की जाएगी और शुद्ध करके लिस्ट को भेज करके जो भी आपका है क्षतिपूर्ति हमारे स्तर से करके भेज दिया जाएगा। अब सरकार को देना है, जब देगा सबको उपलब्ध। किसी कीमत पर किसान सलाहकार किसान के कहने पर उलट पलट नहीं करेगा। एक रसीद पर 2 आदमी का 3 आदमी का आवेदन या कंप्लेन नहीं होगा, जो भी होगा जेन्युइन होगा, ये ध्यान रखिएगा आप। अगर कोई मिल गया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। 11% सर बनाया गया है रिपोर्ट, उस पर ध्यान देना है। 11% इन लोगों ने रिपोर्ट बनाया है पूरे प्रखंड का, तो किस हिसाब से 11% जो रिपोर्ट बनाया इन लोगों ने, उसको हम मांग लेते हैं आजकल में, आपको प्रकाशन कर देंगे और मुखिया को उपलब्ध करवा देंगे पंचायत वार, कहाँ कितना किसका हुआ, यही ना। अभी कितना हम लोग ऐसा नहीं मांगे, नया से नए सिरे से मांग किया जाता है सर, नए सिरे से सर्वे न हो। बीओ साहब ऐसे प्रखंड छोड़कर नहीं भागे, और जो किसान सलाहकार है जाके हर पंचायत में घूम घूम के देखेगा, पूरा खेत देखेगा। किसान सलाहकार का वही काम है, एक पंचायत सर, हम लोग के महिश्राम पंचायत में नहीं आता है किसान सलाहकार, फोन करने पर फोन नहीं उठाता है। मुंडा कौन है? महेश राम। फोन तक नहीं उठाता है, फोन नहीं उठाता है। आ गया पंचायत कार्यालय यहाँ पे, आओ ना इधर, वहाँ सर के पास फोन नहीं उठाता है। देखिए आज इस नाम के बाद मैं भी फिर घूम रहा हूँ। अरे किसी नाम से आप फोन उठाओ भाई, नाम से क्या मतलब है, फोन उठाइए ना। आप जिस पंचायत बताइए, गलत क्यों बोल रहे हैं? सुनिए ना, सुन लीजिए सर, विज्ञान शर्मा जी का एक संदर्भ खुला, 500,000-2,000 रुपया ले लेकर के लोगों का पैसा डालने का काम, ये आरोप है सर, नहीं दिया उसका 400-700 हजार रुपया से 2,000 से ज्यादा। ये मुरारी जी एक आरोप और है, और यहाँ कि लोग मुखिया के दबाव में काम करते हैं, सुन लीजिए, जो मुखिया को वोट दिया है उसका काम करते हैं, जो नहीं करता है उसका काम लोग नहीं करते, नहीं करते। और वार्ड सदस्य मिल के लोग पैसा लेता है, क्यों नहीं लोग ग्राम पंचायत घोटे डालते हैं? अरे मुखिया के दबाव में काम होता भैया, नहीं नहीं इनका इनका और वार्ड नहीं ये लोग करता है ना, ये लोग मुखिया के यहाँ जाता है वहीं बैठ कर रिपोर्ट बना लेता है, काम खत्म हो गया। मुखिया का जो आदमी है उसका काम हुआ, जो नहीं उसका काम नहीं होता, क्लियर बात यही है। उसको लाभ मिले, सही आदमी जो है उसको सबको लाभ दे, जन्मिन किसान को लाभ मिलना चाहिए। नहीं है जिसको कोई जमीन नहीं है उसके खाता पैसा जाता है, और जिसका जमीन से खाता पैसा जा ही नहीं रहा। अभी जो 11% दूसरे के रसीद पे दूसरे का ही लोग कर देता है। अभी सर
अलग अलग अभी बाढ़ पीड़ित जो हुआ है सुन लीजिए, जिसका पक्के का मकान है एक कट्ठा जमीन डूबा उसके खाना पैसा गया 6,000 रुपया, और जिसका घर डूबा उसका पैसा नहीं गया। अब दर्ज करवाइए, पंचायत का नाम बोलिए, पंचायत जिस पंचायत में हम है, नाम बोलिए, मानिकपुर, मानिकपुर में ये बोलिए, हाँ सब पंचायत में रहिए, पंचायत पंचायत मेरा घर गिरा हुआ है, हर पंचायत वही तो बोलना है, हम क्या करें, जन्मे काम होना चाहिए, बाप बेटा पंच तक गाय के नाम से चुका है, पवन जी चाहे मकान का क्षति हो चाहे फसल का क्षति हो वो सीओ साहब आपका यह भी क्षति आपदा से आएगा, या तो वो देंगे या तो हम देंगे। द्वारा दिया गया सही के द्वारा पैसा, लेकिन और पैसा कब तक मिलेगा, पैसा तो आवंटन आ गया है, वो वीडियो साहब के हाथ में थोड़ी है, वहाँ ऊपर से भेजेगा तब नहीं लोग करेंगे, ऊपर से आएगा तो लोग अपने घर में थोड़ी रखेंगे, सबको डाल देंगे। एक तो आप आइए इधर, 2016 वाला नया बैठा है रखिए, जब बात हो रहा है सारा किसान लोग जुटा है। 2016 सर खरीफ फसल का हमारे जितने भी 35 किसान भाई थे जो किसी से लिए हुए थे उनका ऑटोमेटिक खाते से 1350-900 रूपए अकाउंट से फसल बीमा के नाम पे कटा था प्रधानमंत्री फसल बीमा के नाम पे। और सर यहाँ एक PDF बन के आया, 3566 किसान हमारे फिर 35 के लाभान्वित थे, 1819 करोड़ रूपया का राशि आया, वो राशि सर लौट के चला गया, हमारे जो भी किसान केसीसी लिए थे उनका वो पैसा क्लेम मिलना चाहिए था, वो राशि मिला नहीं, हम इसको समझना चाह रहे हैं, इसके लिए हम लोग ने आवेदन कर दिया है, DM को भी दिया गया, हाँ इस संबंध में हम मुख्यमंत्री जी को भी आवेदन दिए थे और उनको भी दिए थे, विधायक जी ए मुखिया जी सरकार अभी आपकी आप उस पार्टी से बिलोंग करते हैं, बात समझिए, नहीं बात समझिए, किसान का बेटा है वो ठीक है, कहाँ काम हो रहा है किसान का, पार्टी खाने देगा, बोलिए विधायक पूर्व विधायक जी बैठ खड़े हैं पीछे, देखिए क्यों घोषणा किया है, घोषणा करने से क्या होगा, घोषणा वो जो पीओ है काम नहीं हो रहा है, विधायक जी भी किसान हित को देख के ठीक है काम हो किसान का, जन्मी काम होना चाहिए, पहले हम लोग और सबसे पहले इन लोग को समझाइए, इन लोग कभी भी जाके पंचायत और ना खेत घूमता है, बस मुखिया के घर पे बैठ के रिपोर्ट बना देता है, जवाब है सर कि टेबल सर्वे ना हो, हर जगह लाभ मिल रहा है, किसानों को लाभ मिले, अभी बोले बीओ साहब कि नहीं क्षति तो हुआ है 35% से ऊपर उस समय कम था, हमें आप कराइए, SDO साहब से भी हम लोग सारी बात किए, SDO साहब बोले कि हम जिला कृषि पदाधिकारी को बोल देते हैं, ऊपर भी बात कर लेते हैं, आपसे भी बात कर लेंगे, अभी तो सारी में देश में किया है और निश्चित तौर पर 35 को लाभ मिलना चाहिए, SDO साहब भी बोले। अच्छा किसान को कैसे पता चलेगा, ये लोग जाते हैं कैसे किसान पता चलेगा कि लोग गए फील्ड में, किसान ने जाते ही नहीं है, ये लोग जाते ही नहीं है, मुखिया के घर पे बैठ के सही नहीं लोग किसान सलाहकार बिना साइन के आवेदन आ जाएगा, पहले तो ऐसा ही होता है सर, पहले तो 12 दिन प्रखंड घुसता है, ऐसा ही होता है प्रखंड घुसता है, उसके बाद जो है मुखिया घर पे जाके आधा घंटा काम करके पुनः सही बोले आप, चलिए हो गया पवन जी, आप हो देखो सबके, देखिए यहाँ और सब बात मत बताइए, अपने अपने पंचायत जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो, किसानों को छदर पूर्ति देना होगा, उनका इंकलाब जिंदाबाद।